realiza. As per the program of Government of India, Ek Bharat Shrestha Bharat, the initiative of Bhasha Sangam, the confluence of languages, 22 Indian languages under the Schedule 8, is being taken up by the DM School. In fact, we have already had 22 days, one day each attributed to one language, and this I am sure has done a lot of good in order to have a tolerance for other language, appreciation for other language, acquaintance with other language, and also a kind of harmony and symphony among the languages. बच्चे एक दूसरे की भाषाओं को समझते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को अप्रिशिएट करते हैं और बहुभाषाई भारत के निर्माण में अपने योगदान को, अपनी भूमिका को समझे, इस उद्देश्य के साथ हमने ये 22 दिन का प्रोग्राम किया। वैसे तो डीएम स्कूल में बहुभाषाई कॉन्सेप्ट रहा है, जिसमें बच्चे हमारे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला और कुछ बच्चे तेलुगु परिवार से भी आते हैं। वैसे ही बहुभाषाई विद्यालय का एक जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, उस हिसाब से हमारे विद्यालय में हम निरंतर पूरे सत्र पर्यंत हमारा प्रयास इसका चलता रहता है। हमें मैंने ये थी इंग्लिश से कथा हो चुकी, मेनली हिंदी से कथा हो चुकी, इंग्लिश में कथा हो चुकी बिकॉज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तार संगे आर जितने डायलेक्ट अच्छे भाषा अच्छी सब भाषा में आम काम काज करूँ, स्पेशली फॉर स्पीकिंग वी आर यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो फार एज द टॉलरेंस ऑफ द चिल्ड्रन इज देयर पर्टेनिंग टू द लैंग्वेज, आई थिंक भाषा संगम, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेजेस, द वेरी अटेम्प्ट इज वंडरफुल। And I am only wondering as to why so far we have not been doing it. पर हमें ऐसा लगता है कि इसके बड़े दूर जाने अच्छे परिणामों के देखने को मिलेंगे। हमारे बच्चों ने इसको बहुत ही सराहा है, इसको बहुत ही आत्मसात किया है और बड़ी अच्छी एक भावना है कि हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, ऐसा अनूठा राष्ट्र जहाँ पे गुजराती में 5 वाक्य बोलने जा रही हूँ। हेलो, नमस्कार, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम शू छे? माय नेम इज लक्ष्मी, मारू नाम लक्ष्मी छे। हाउ आर यू, तुम्हे के छो? आई एम फाइन, हूँ मारा माँ छू। थैंक यू। अब मैं लक्ष्मण आमंत्रित करूँगा कक्षा Thank you.
talk, ask the confidential speech in your assembly, which is also language, and you learn to offer those languages also. That's the previous case of the linguistic variety that is developing in India. So, धन्यवाद।